ऑफिशियल ओप्पो फोन लिस्ट के बारे में पता चला है दोस्तों, जिसमें एंड्रॉइड 11 अपडेट आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले नेता टाइप आधा काम मत करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में देखिए बेल बटन है उसको दबाइए और घंटे को जरूर दबाइए। आप ये जानते ही होंगे ओप्पो का कलर ओएस 11 अपडेट लॉन्च हो चुका है। तो ये कलर ओएस 11 अपडेट असल में दोस्तों एंड्रॉइड 11 अपडेट के साथ ही इंटर रिलेटेड है। मतलब यहाँ जो ओप्पो डिवाइस आपको दिखाया जाएगा और टाइम टेबल दिखाया जाएगा, यहाँ दोस्तों एंड्रॉइड 11 अपडेट के साथ साथ आपको कलर ओएस 11 बीटा अपडेट भी मिलने वाले हैं। मोर देन 28 ओप्पो स्मार्टफोन या डिवाइस हैं जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाले हैं। तो यहाँ आप देखें, जैसे कि यहाँ सितंबर 14 से 3 ऐसे ओप्पो डिवाइस हैं जिसमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाले हैं। फिर सितंबर 30 के बाद आपको 3 ओप्पो डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिल रहे हैं। फिर अक्टूबर 2020 में सिर्फ एक ऐसे ओप्पो डिवाइस है जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाले हैं। फिर नवंबर 2020 में आपको 2 ऐसे डिवाइस हैं जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाले हैं। फिर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर 2020 में आपको 9 ऐसे ओप्पो डिवाइस हैं जिसमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाले हैं। फिर स्टार्टिंग ऑफ 2021 जो कि क्वार्टर 1 में होने वाले हैं दोस्तों, यहाँ भी आपको 7 ऐसे ओप्पो डिवाइस मिल रहे हैं जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाले हैं। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वार्टर 2 2021 में 4 ऐसे ओप्पो डिवाइस हैं जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाले हैं। ये सारे ओप्पो डिवाइस लिस्ट जिसके ऊपर एंड्रॉइड 11 अपडेट आएगा, साथ ही साथ दोस्तों कलर ओएस 11 का बीटा अपडेट इसी के साथ साथ मिलने वाले हैं। तो होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा, हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में वीडियो को शेयर कर दें। तो और बकबक ना करते हुए वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। चलिए बाय।